श्री कैलाश चंद छाबड़ा, श्री केसी छाबड़ा मास्टर द सिस्टम। इनका जन्म राजस्थान के अजमेर जिले के एक छोटे से गांव नानसी में हुआ। पिता स्वर्गीय श्री मोहनलाल छाबड़ा की अपने गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान थी और माता धापू देवी गृहिणी थी। छह भाई बहनों में श्री केसी छाबड़ा सबसे छोटे हैं। इन्होंने बीकॉम तक की शिक्षा पूरी की और शिक्षा के दौरान ही अपना कपड़े का बिजनेस शुरू किया और सन 1988 में भीलवाड़ा आकर कपड़ा उत्पादन की फैक्ट्री शुरू की। श्री केसी छाबड़ा को शुरू से ही सेल्स, मार्केटिंग एवं डेटा एनालिसिस में रुचि थी। सन 2000 में आरसीएम बिजनेस में काम करना शुरू किया। सन 2009 में आरसीएम की सबसे बड़ी पिन डायमंड पर पहुंचे। श्री केसी छाबड़ा आज आरसीएम में सबसे लोकप्रिय लीडर एवं ट्रेनर में से एक हैं और पूरे आरसीएम के सभी डिस्ट्रीब्यूटर श्री केसी छाबड़ा की एक झलक और वाणी सुनने के लिए हजारों किलोमीटर तक का सफर कर लेते हैं। आज वे आरसीएम में मास्टर द सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। इस बिजनेस की जानकारी मैं एक लकी पर्सन हूँ कि मुझे टीसी सर ने दी और जब पहली बार मुझे बताया तो मतलब मैंने ज़्यादा वक्त नहीं लगाया क्योंकि एकदम मुझे लगा कि अरे ये वो तरीका है जो मतलब बहुत बड़ा काम कर सकता है। और इस बिज़नेस की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इस दुनिया में जब आम आदमी के पास जब सारे दरवाजे बंद हो जाए ना तब ये बिज़नेस शुरू करके और वो अपने जीवन के तमाम सपने पूरे कर सकता है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक मीटिंग मैंने कॉल की थी दिल्ली में, पहली बार दिल्ली में आया तो मैंने कॉल की थी, तो दिल्ली में उस मीटिंग में जहाँ मुझे एक उम्मीद थी कि 100 लोग मेरे सामने कम से कम हो जाएंगे तो 101 लोगों का ऑडिटोरियम ने बुक कराया और पहली मीटिंग में 15 लोग आए। फिर ये सोचा कि चलो एक बार कुछ लोग आए हैं और एक मन में आया कि यार ये सब लोग अगर 10-10 को कॉल करेंगे तो अगली बार 150 लोग हो जाएंगे ना। सबको मोटिवेट किया, सबको बोला आप सब लोग 10-10 लोग लेके आओ और अगली बार एक अगेन मीटिंग कॉल की और अगली बार जब मीटिंग कॉल की तो एक भी व्यक्ति नहीं आया। लेकिन उस दिन मैंने डिसीजन किया कि अब ये दिल्ली में मैं बिज़नेस करूँगा और एक बड़ा डिसीजन किया कि मैं दिल्ली आके और रह के यहाँ पे शिफ्ट होके बिज़नेस करूँगा लेकिन दिल्ली में बिज़नेस करके देखूँगा। आज आरसीएम बिजनेस इतने बड़े मुकाम पर हैं या हमारा बिजनेस इस मुकाम पर है तो इसके अंदर बहुत बड़ा रोल केसी छाबड़ा जी का है। केसी छाबड़ा जी ने आकर इस बिज़नेस में कई सिस्टम बनाए, इसलिए केसी छाबड़ा जी को मास्टर द सिस्टम इसमें कहा जाता है। केसी जी को मैं 1991 से जानता हूँ। वो बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति है। जिस काम के बारे में हम 15 साल बाद सोचते हैं उस काम को वो आज ही सोच कर उस कार्य को करने की प्लानिंग कर लेते हैं। मेरे को एक बार दादाजी ने कहा कि बेटा तुम काम बहुत बढ़िया कर रहे हो, ये एक अच्छी बात है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है। मैंने कहा दादाजी कितनी अच्छी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि तुम काम करना जानते हो लेकिन अभी तुम काम करवा नहीं पा रहे हो, अगर तुम काम करवाना सीख जाओ तो तुम बहुत आगे जा सकते हो। और ये बात ने मेरे दिमाग में उन्होंने कहा ना जैसे एक बत्ती जला दी है ना। और फिर तभी मैंने जब आरसीएम के कॉन्सेप्ट को समझा तो लगा कि यार ये तो वाकई ऐसा तरीका है कि इसमें हम काम करने के साथ करवा सकते हैं और थोड़े लोगों से नहीं, हजारों से नहीं, लाखों से हम काम करा सकते हैं और ये कारोबार कितना बड़ा हो सकता है। मैंने जब शुरुआत की थी इसकी तो जब शुरुआत की तो ऐसा लगा यार इतना आसान सा काम है, मैं बहुत जल्दी जल्दी करूँगा, मैं तो पता नहीं कितने लोगों को इस बिज़नेस में ले आऊँगा। लेकिन जैसे ही शुरुआत की पहले ही दिन या दूसरे दिन से मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई है ना, और जैसा मैंने सोचा उसका सब कुछ उल्टा था एकदम से। लेकिन क्योंकि मैं हार नहीं मानता कभी से, तो फिर चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी कठिन से कठिन स्थिति क्यों ना हो, वो जीतना मेरी आदत में है। केसी छाबड़ा जी बहुत ही पारखी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति में छुपी हुई प्रतिभाओं को पहचान कर उसको बेखूबी से वो निखारने पे काम करते हैं। जो भी लोग अगर किसी भी पॉइंट पे नेगेटिव जो कि हो जाते हैं जैसे काम करते करते करते, अगर वो अपने आप स्वयं को चेक करे और मंथन करे तो वो ये एक चीज़ बहुत बड़ी निकल के आएगी कि वो सिस्टम की पटरी से उतरे हुए हैं। एक बहुत बड़ा कारण है ये। और वो दूसरों पे ब्लेम करने के बजाय, दूसरों को ठीक करने के बजाय अगर वो अपने आप को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करें और वो सिस्टम के ट्रैक पे अपने आप को ले आए तो उनको लगेगा हमारी गाड़ी वापस अभी ठीक दिशा में काम कर रही है। हिंदुस्तान में 1 करोड़ परिवारों को आज़ादी मिले आर्थिक, 1 करोड़ परिवार आरसीएम की इस इनकम से अपने जीवन को बेहतर कर पाए। हाँ वक्त लगेगा, मुश्किलें आएगी लेकिन जो सोच लिया वो होना तय है। और उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है क्योंकि कंपनी का इतना प्यारा सपोर्ट है, इतना फैंटास्टिक सपोर्ट है, कंपनी का भी उतना ही बड़ा विजन है,
कंपनी की उस तरह की तैयारियां हैं जो कहते ना कि जो शायद हो सकता है बहुत सारी कंपनियां जो वो चीज़ें आगे तक के लिए प्लान नहीं करती है, टेम्प्रेरी प्लान करती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी काम टेम्प्रेरी नहीं है, यहाँ पे काम परमानेंट है, फॉरएवर है। सबसे कम वक्त में सबसे अधिक पैसा कमाने का मेरे ख्याल से इससे बेहतर तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। और बात केवल पैसे की नहीं है, और भी जो चीज़ें हमारे को जीवन में चाहिए, हमें प्यार चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें एक आज़ादी चाहिए जिसमें हम अपने उन सारे कामों को अंजाम दे सकें जो हम करना चाहते हैं। केसी छाबड़ा जी हमारी अपलाइन है, इसके लिए हमें बहुत गर्व है, क्योंकि केसी छाबड़ा जी जब से मेरी ज़िंदगी में आए, केसी छाबड़ा जी ने मुझे ना सिर्फ ये बिज़नेस करना सिखाया, केसी छाबड़ा जी ने ये बताया कि जब आपकी टीम बनती है तो उसका मैनेजमेंट क्या होता है और उस टीम को कैसे संभाला जाता है, उस टीम की डुप्लीकेशन क्या होती है। और आज अगर हम इस बिज़नेस के इस मुकाम पर हैं तो एक बहुत बड़ा रोल हमारी अपलाइन केसी छाबड़ा जी का है। केसी छाबड़ा जी से हम बहुत प्यार करते हैं, पूरा हिंदुस्तान बहुत प्यार करता है। आई लव यू केसी छाबड़ा जी। आज हम उनकी ओजस्वी वाणी और मार्गदर्शन के लिए श्री केसी छाबड़ा जी को आपकी जोरदार तालियों के साथ स्टेज पर आमंत्रित करते हैं।